अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ किचन की कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी 3-4 दिन पहले, तो मैं सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये एक मैंने ली थी मसालेदानी राउंड वाली, यह इजी रहती है, एक ही दफ़ा इसमें सब कुछ फिल कर लो, आराम से एक साइड पर रख दो। और मैंने ये आइसक्रीम वाला सांचा लिया था, बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे मम्मा हमें ले आइसक्रीम बनाओ, तो ये एक मैं लाई थी। और कुछ किचन का सामान था, और ये मैंने वॉश बेसन के पास लगवानी थी, और एक नॉन स्टिक पैन था, ये भी बहुत मज़े का है। ये तवा भी, तवे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और पैन के तौर पर ये बच्चों के लिए कप लाई थी, ये जिसपे ABC बनी हुई है, और कुछ के लिए प्लास्टिक कप थे, और एक ऑयल की बोतल थी। बस ये थोड़ी सी चीज़ें, इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, चाहे आप छोटी मोटी चीज़ें ले लो ना, बस महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। और ये है नॉन स्टिक पैन, और ये ऑयल की बोतल है, इसमें ऑयल डालना है। और छुरी मैंने फ्री ले दी थी, मतलब मैंने आपसे इतना कुछ लिया है तो फिर छुरी उन्होंने मेरे मुझे फ्री दे दी थी। मैं ये चीज़ें थी और कुछ घर की थोड़ी बहुत ली थी, और बस ये छोटा मोटा सामान था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कीमतें भी इसकी बस कुछ ज़्यादा ही थी। कुछ बच्चों के लिए सलाटी ली थी, और ड्राई फ्रूट थे, और ब्रेड थी। ड्राई फ्रूट मैं जो कि मीठा होता है तो काम आ जाता है। और ये मैंने बास्केट ली थी प्याज रखने के लिए, ये भी मैंने ना कॉर्नर पहले ही सेट कर दी, जब मैं लेकर आई थी तो दोबारा फिर इसकी वीडियो बनाई सेट करने के बाद मैंने प्याज रख लिए थे। जो लास्ट नीचे वाला बॉक्स था उसमें मैंने प्लास्टिक के बर्तन थे वो रख दिए थे। ये नॉन स्टिक पैन मैंने कहा चलो आज इसका शुरू करते हैं, इस पर तो फर्स्ट डे आज मैंने इसके ऊपर नाश्ता बनाया था। माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अच्छा था ये, इतना भी मैं सोचा था अच्छा ना निकले, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था और मुझे पसंद आया है। अगर आप लोग लेना चाहते तो आप लोग भी खरीद लीजिएगा, और प्राइस भी इसकी मुनासिब भी थी। ये मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, फ्रेंच टोस्ट जिसे आप मीठी ब्रेड भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 देसी अंडे ले लिए थे, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था, और चीनी आप डाले टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा या कम, मैंने 4 चम्मच डाले थे। मैंने 1/2 कप दूध डाला था, फिर इनको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करने के बाद, इसे ब्रेड को कोट करने के बाद इसे मैंने फ्राई कर लिया था।
ये हमारे फ्रेंड टोस्ट तैयार हैं और इसे मीठे ब्रेड भी कह सकते हैं। ये बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, तो मैंने कभी कभी उनको ना नाश्ते में दे देती हूँ। और साथ चाय बनी थी, चाय तो मस्त होती है। और बस ये था हमारा आज का नाश्ता और मेरी आज की वीडियो और कुछ किचन का सामान। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और ये जो लास्ट क्लिप है ना, ये बारिश हुई थी मियाँ चन्नू में, तो मेरी ना वहाँ पे रहती है नंद, उन्होंने जो क्लिप भेजा था। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।